सो अभी देखें कि मुझे यहाँ पे 700 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉप लॉस को मैं अभी थोड़ा ट्रेल करना चाहूँगा। मूविंग एवरेज स्टॉक मैंने कर दिया ट्रेल। हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेलिंग सीरीज की डे नंबर 3 में आपका स्वागत है। चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड आज का डेट है फ्राइडे 5 अप्रैल एंड 11:16 हो चुका है। तो आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की चार्ट को एनालाइज करते हुए हम सेलिंग स्कैल्प करेंगे, सो लेट्स सी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कल हमने 2400 समथिंग प्रॉफिट बनाया था, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे दो ट्रेड्स मैंने और इनिशिएट किए थे जिसके दौरान मुझे वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ था। 10,375 ये रियलाइज्ड पीएनएल था। नेट रियलाइज्ड पीएनएल आप अगर देखें तो 9,236, दस मिन चार्जेस यहाँ पे थाउजेंड्स के आसपास गए हैं। तो ये था कल का पीएनएल। अभी हम एनालाइज करते हुए यहाँ पे ट्रेड लेंगे। सेंसेक्स का 15 मिनट की चार्ट अगर देखें तो ये है पहला कैंडल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर ट्रेडिंग जोन, प्रीवियस डे जो सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था क्लोजिंग सेशन में, उन्हीं के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। फॉल देखने को मिला, सेंट्रल पिवट में यहाँ पे सपोर्ट ली, रिजेक्शन देख सकते हैं, कुछ रिजेक्शन बना, यहाँ पे बेस बना के अभी ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। स्टिल दिस इज क्रूशियल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हाई बनाया था प्रीवियस डे। तो जब तक इसके ऊपर ना आ जाए तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेगा। तो यहाँ से हम एक बार कंट्रा व्यू लेकर यहाँ पे एक स्कैल्प करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम कॉल शॉर्ट, राइट। प्राइस एक्शन स्लाइडली बुलिश है बट दिस इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इनिशिएट करने जा रहा हूँ, राइट। अभी चलो हमारे पास 3,11,000 के आसपास कैपिटल है। ओके, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन, ये देखिए ऑप्शन चेन है, यहाँ से मैं कॉल्स एक OTM कॉल को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ परचेस 1 रुपीस के आसपास 13 लॉट, इसको करते हैं। ओके, ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल एंड देखो PNL देख लेते हैं, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम सेंसेक्स का चार्ट ओपन करेंगे स्लाइडली OTM, दस मिन यहाँ पे 300 या 400 का करते हैं ये वाला। ओके, सक्सेसफुल प्लेस, 7 लॉट हो पाया एंड लेट मी प्लेस SL। यहाँ पे हम 3 मिनट के साथ सेलिंग करेंगे, राइट। यहाँ पे 1 मिनट में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और 5 मिनट से भी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि हमारा जो स्टाइल है वो स्लाइडली, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, सो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रख के ही चलेंगे। ये रहेगा यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस, उससे भी थोड़ा नीचे यहाँ पे चलो। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है प्रॉफिट का, यहाँ पे हम 2 सिनेरियो में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रहे तब भी यहाँ पे प्रीमियम डीके होंगे, राइट, टाइम डीके के कारण प्रीमियम डीके होंगे। एंड दूसरी बात यह है कि अगर नीचे की तरफ है तब भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू घटेगा एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम प्रॉफिट बनाएंगे, राइट। चलो 1,000 रुपीज प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे, 34 आ चुका है। आई होप इट्स टाइम टू बुक हियर। ओके, आई होप ये सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। चलो इसको क्लोज करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्यों क्लोज कर दिया, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मिल चुका है मुझे, तो मैं अनदर स्ट्राइक को मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई प्रॉफिट बुक करके मैंने यहाँ पे एग्जिट हो चुका हूँ। 1,500 रुपीज प्रॉफिट, नॉट बैड, राइट। अभी हम नेक्स्ट स्ट्राइक को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा एनालिसिस बहुत सही रहा, मार्केट रेजिस्टेंस फेस की एंड नीचे की तरफ ड्रॉप हो चुका है। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, सेंट्रल पिवट को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिट्रेस आएगा फिर यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। सो उसके लिए ये देखिए जो हुआ है ऑलरेडी 37, यहाँ पे मैं फिर से कर सकता हूँ एंड स्टॉप लॉस जस्ट अबव हियर, क्योंकि ओवरऑल मैं कर क्या रहा हूँ, स्कैल्प ही तो कर रहा हूँ ना, और थोड़ा डाउन यहाँ पे। सो गाइस, आप भी देखिए टाइम 1:32 एंड यहाँ पे सेंसेक्स स्लाइडली बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो यहाँ पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, राइट। ये देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन एंड देन 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं। तो इस पॉइंट में हम यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं बाई शॉर्टिंग पुट। ओके, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट का प्रीमियम हम करेंगे ऐड। चलो मैंने OTM पुट को मैंने कर लिया परचेस मार्जिन बेनिफिट के लिए एंड देन हम स्लाइडली OTM को सिलेक्ट करते हुए ये सही रहेगा 32 एंड चार्ट को करते ओपन।
चलो 8 लॉट को मैंने कर दिया शॉर्ट एंड जस्ट थोड़ा अबव 10 पॉइंट अबव 37-34 के आसपास मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी, मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं टिल हियर 300 या 400 को एक बार टेस्ट कर सकते हैं सेंसेक्स। सो लेट्स सी, सो अभी देखें कि मुझे यहाँ पे 700 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सी, स्टॉप लॉस को मैं अभी थोड़ा ट्रेल करना चाहूँगा। लाइक या मूविंग एवरेज तक मैंने कर दिया ट्रेल, 24 आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स ऊपर साइड निकल रहा है, 9 पॉइंट मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं। एंड प्रॉफिट अगर देखें, प्रॉफिट भी 1000 रुपीज़ यहाँ पे हो रहा है। ओके, अभी हम यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम आ चुके हैं बिलो 20। सो जस्ट हम यहाँ पे ड्रैग करके भी एग्जिट हो सकते हैं या फिर जस्ट एक क्लिक में भी एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, एक क्लिक किया मैंने, एग्जिट हो गया। देन जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को भी मैंने कर दिया क्लोज। ओके, देखते हैं, ये देखिए 2565 प्रॉफिट बुक्ड एंड लास्ट 3 डेज से हम सेलिंग करके 2500 करके ही प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो आज के दिन खत्म करते हैं। मार्केट का व्यू अगर देखें तो साइडवेज टू बुलिश मूव दे रहे हैं सेंसेक्स। बाइंग में उतना मोमेंटम है नहीं, सो इसलिए प्रॉब्लम है। सो थैंक यू, कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन गाइस। और नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा मैं बाहर रहूँगा तो इसलिए वीडियोस नहीं भी आ सकता, लेकिन प्री रिकॉर्डेड लर्निंग वीडियोस जरूर आता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।